नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम महात्मा के मंत्र में और मैं हूं आपके साथ में आरेंद्र। हम इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। ये वो जगह है जहां बापू ने अपने जीवन के 12 साल यहां पर गुजारे थे और दांडी यात्रा की शुरुआत से पहले तक यानी 1930 तक वो यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि क्यों ना इस प्रकार का एक जीवन जी के दिखाया जाए जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। महात्मा गांधी इस बात को कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी उनके द्वारा दिखाए हुए जो माध्यम है वो किस प्रकार से आज के दौर में भी प्रासंगिक है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती यानी उनके जन्मदिन के 150वीं साल चल रही है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है पलट कर देखना, ठहर कर देखना कि बापू ने जो हमको एक रास्ता दिखाया था, हमको एक मार्ग दिखाया था, आज की हमारी चुनौतियों के लिए किस प्रकार से वो हमको एक मार्गदर्शन देता हुआ नज़र आता है। क्योंकि उस वक्त की चुनौतियों के लिए महात्मा ने एक आह्वान किया, देश खड़ा हो गया और हमने आज़ादी हासिल की। लेकिन आज के बदले हुए परिदृश्य में, परिवेश में जो हमारी बदली हुई चुनौतियाँ हैं, चाहे वो देश की हों, चाहे वो विश्व की चुनौतियाँ हों, उसमें महात्मा के मंत्र हमारे लिए किस प्रकार से कारगर साबित होते हैं, इस बात को मंथन करने की आज ज़रूरत है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तब जबकि हम महात्मा गांधी की इस कर्म भूमि पर मौजूद हैं, उनके दिखाए रास्ते से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका हम परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में बहुत खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा देवेंद्र पटेल जी का। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गांधी जी को लेकर बहुत कुछ काम किया। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए सर, बहुत स्वागत है आपका। दूसरी खास मेहमान हमारे साथ में भद्राबेन सवाई जी हैं, गांधीवादी हैं, अध्यापिका हैं और गांधी का जो जीवन है वो कैसे जिया जा सकता है आज के दौर में भी, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। मैडम बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ में इतिहासकार रिजवान कादरी साहब मौजूद हैं और गांधी को लेकर उन्होंने, बापू को लेकर बहुत कुछ काम किया है, लिखा है, पढ़ा है, समझा है, उनको अध्ययन किया कि आखिर क्यों गांधी तब भी रेलेवेंट थे और आज भी उनकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई। चौथे खास मेहमान हमारे साथ में एक युवा हैं, युवा गांधीवादी अभिषेक देसाई हैं। आज के युवाओं के बारे में आमतौर पर एक धारणा है कि वो गांधी को महज एक किताब तक सीमित रखते हैं, लेकिन गांधी को आज के समय में भी जिया जा सकता है, इसकी एक मिसाल के तौर पर अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में अहमदाबाद की इस वक्त तमाम जनता, एक बार जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए, आप सबका स्वागत है। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं अहमदाबाद के हम इस आश्रम से जहां पे बापू ने अपने जीवन के 12 साल गुजारे थे। सबसे पहले देवेंद्र पटेल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हम लगातार बात करते हैं बापू के बारे में, कोई ये नहीं कहता कि बापू रिलेवेंट नहीं है, सब चीज़ें नहीं, लेकिन आज की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारे देश के समाज की जो चुनौतियां हैं, क्यों बापू आज भी रिलेवेंट हैं, क्यों प्रासंगिक हैं, किस तरह से आप आज रखना चाहेंगे बापू? देखिए, बापू की जिस भूमि पर हम आज बैठे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर है। बापू ने जो फ्रीडम फाइट की शुरुआत की वो यही भूमि से की, और उनकी रेलेवेंस क्या है ये बताने के पहले मैं इस भूमि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे इस भूमि ने बापू को परिवर्तित किया। ये जगह पर बैठे बापू 1915 के साल में वो विलायत से भारत आए, फिर वो अहमदाबाद आए, तो जिस जगह पर हम बैठे हमारे सामने एक साबरमती रिवर है, इस रिवर के पीछे एक रिट्रीट बंगलो है, वो बंगलो है अम्बालाल साराभाई का। अम्बालाल साराभाई कैलिको मिल के वो मालिक थे। गुजरात में सबसे पहले मोटर कार वो अम्बालाल साराभाई लाए और पूरे गुजरात में उस कार को चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं था, तो ड्राइवर बम्बई से लाना पड़ा और मिल मालिक और डॉक्टर विक्रम साराभाई के वो पिता थे, लीना साराभाई के पिता थे, मृदुलाल साराभाई के पिता थे। गांधी जी सबसे पहले जब गुजरात में आए और अहमदाबाद में आए तो अम्बालाल साराभाई के परिवार से उनका परिचय हुआ और 1912 के साल में रिट्रीट बंगलों में कम से कम 20 तो माली थे, गार्डनर थे, 5 तो कपड़े धोने वाले थे, 10 से 12 शॉफर थे। इतने बड़े होने के बावजूद भी एक दिन जब उनकी एक छोटी सी बेटी 19 साल की मृदुला साराभाई गांधी जी के संपर्क में आई, गांधी जी के कुछ विचारों को सुना, तो उनकी तो अभी एक ऐसी उम्र थी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने पहने और जिंदगी की जो युवा में जो भी उनके लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें सब के उनके लिए उपलब्ध थी। लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उसको लगा कि मुझे नहीं तो इतने कीमती वस्त्रों की जरूरत है, नहीं तो इन गहनों की जरूरत है, नहीं तो मुझे इस मोटर कार चाहिए, नहीं तो ये और कुछ चाहिए। वो गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने सभी कीमती वस्त्र
और सभी गहने का त्याग कर दिया और सिंपल एक सादा एक सादी वो पठानी ड्रेस जैसा वो पहन लिया खद्दर के। और इस साबरमती आश्रम जो हम ये गांधी आश्रम कहते हैं वो उसका मकान बन रहा था, तो ये उसको बनाने के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी और पीछे से कुछ रेती नदी में से कुछ रेत और सेंट लाने की थी। तो मृदुला सराबी एक मिल मालिक की बेटी ने अपने सर पर एक पॉट रखकर रेती एक मजदूर की तरह पर आए और इसका कंस्ट्रक्शन में एक मजदूर की तरह काम किया। ये गांधी जी की एक पर्सनालिटी एक सम्मोहन वाली थी कि अगर आप उनके संपर्क में आ जाए फिर आप उनके जैसे बन जाते थे। और ये करने के बाद मृदुला सराबी ने पूरी ज़िंदगी ना तो उन्होंने शादी की ना तो उन्होंने ज़िंदगी की कोई ऐसी की जो सांसारिक जीवन में होता है, वो पूरी ज़िंदगी गांधीमय रही। और फिर दांडी यात्रा में वो 1930 में जब यहाँ से शुरू हुई तो उसमें सम्मिलित हुई और पूरी ज़िंदगी वो बहुत सारे साल वो जेल में भी रही और दांडी भी गई। मतलब कि गांधी जी के संपर्क में आने के बाद सब लोग सम्मोहित हो जाते थे। मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि आज गांधी जी कितने रेलेवेंट है जी, अगर आज गांधी जी वो जिंदा होते, अगर आज गांधी जी हमारे सामने होते तो यहाँ बैठे सारे बच्चे वो भी मृदुला सराबे की तरह वो गांधीवादी हो जाते। ये गांधी जी का एक व्यक्तित्व था। भद्राबेन सवाई जी हैं हमारे साथ में। आप उन विचारों से ही सम्मोहित हैं, आप उन विचारों से ही आकर्षित हैं और गांधी को जीने की कोशिश कर रही हैं। आप अपने अनुभव से हमको ये बताने की कोशिश कीजिए कि जब आप ये काम करती हैं, आप गांधी और बापू की कथाओं को लेकर लोगों के बीच जाती हैं, समाज में जाती हैं, बापू को समाज को देने की कोशिश करती हैं कि साहब समाज इस बात को स्वीकारे, क्या आपका अनुभव रहता है, क्या लोग स्वीकारते हैं सहजता के साथ में, या आज के दौर में बापू को लेकर लोगों के मन में उतना आकर्षण नहीं है? आपकी जो अपना अनुभव है वो क्या कुछ कहता है? गांधी कथा के माध्यम से जब गांधी कथा का पूछा है तब मैं कहती हूँ कि वो माध्यम से मैंने देखा है, आप लोग युवा लोगों के साथ सामने भी कही है, उनके जो प्रसंग नारायण भाई कहते थे क्योंकि उन्होंने वो सब देखे थे और वो जिए थे, इसलिए उनकी कथा में वो तत्व आता था, सब लोग आकर्षित होते थे। वो कथा में भी वैसे ही गाने होते थे जो उसको रिलेटेड हो, जैसे बारडोली सत्याग्रह की बात आए, दांडी यात्रा की बात आए, तो वो सब उनके साथ सब जुड़े हुए होते थे, उनका एक इम्पैक्ट सबके ऊपर होता था। मेरे बारे में कहते हैं तो मुझे तो पहले से ही गांधी विचार में जी हूँ, इसलिए ज़्यादा पसंद था। लेकिन जहाँ जहाँ गांधी अब सब जगह की है, हमने गांधी कथा अमेरिका, लंदन, कनाडा और भारत के सारे प्रदेशों में, तो मैं देखती हूँ कि आज सुनने के लिए सब लोग तैयार है। वो ऐसा नहीं है कि गांधी की बात नहीं सुननी है, कई लोग और गांधी के प्रसंग और गांधी के गाने जो हम साथ में गाते थे तो वो रोते भी थे और पूछने के लिए भी आते थे। नारायण भाई यही जो पहले भाई ने बात बताई कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो बात अच्छी तरह से सबको समझाते थे। आपके जैसे युवा लोग भी वो बात समझने के लिए तैयार होते थे, लेकिन वो पहले ये बताते कि आप भी पढ़िए। आज ही प्रश्न आते हैं कि प्रस्तुत है कि नहीं, अरे सब दुनिया के सब देशों में ये गांधी की बात क्या है वो देखने के लिए, उनके विचार जानने के लिए सब लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। अब जैसे आप आत्मकथा, आप लोगों ने कई लोगों ने आत्मकथा पढ़ी होगी, उसमें कई छोटे छोटे वाक्य आते हैं, जैसे हरिश्चंद्र के बारे में कहा है कि सब क्यों हरिश्चंद्र नहीं बने, आपको समझ में आया होगा सब क्यों नहीं। गांधी को यही चिंता थी कि मैं तो ऊपर उठूं, लेकिन सब इसके बारे में सोचे, तो सबका एक एक प्रयत्न, जैसे एक डगलू बस था है, गुजराती में कहते हैं, तो एक एक स्टेप हम कैसे आगे बढ़े। तो गांधी के बारे में जो भी प्रश्न है आज प्रस्तुत है कि नहीं, तो उसके बारे में भी आत्मकथा में भी ऐसे सब प्रसंग है जी, उसको आप पढ़ के उसमें से निकाल सकते थे। एक बड़ा मंत्र उन्होंने निकाला था, आज महात्मा के मंत्र के बारे में कहते हैं तो
कि ईश्वर की सारी सृष्टि की सेवा करना वही मेरा आत्म साक्षात्कार है। अब हम 10 बार 20 बार इसको सोचे कि इसके बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर की सारी सृष्टि की सेवा वो मेरा आत्म साक्षात्कार है, तो जो हमें दिखाई देता है वो हम सब एक पिता के संतान, उनकी पुस्तक है, तो हम सब एक पिता के संतान है, तो सबके जो प्रश्न है वो हमारे प्रश्न है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण चीज़ है, क्यों ना हम उस सृष्टि की सेवा करें जिसमें प्रकृति भी शामिल है, मानव भी शामिल है, और हर एक को एक तरीके से मान के चलें कि आखिर उनका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ में इतिहासकार रिजवान कादरी साहब भी मौजूद हैं। सर, आज हम 150वीं जयंती के वर्ष से गुजर रहे हैं, ऐसे में बापू को याद करते हुए उनके चिंतन से किस तरीके से, मैं फिर वही सवाल कि आज की चुनौतियों में, चाहे वो सामाजिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या महत्वपूर्ण तत्व आप आज की तारीख में रेखांकित करना चाहेंगे कि हमें इन ओर ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमारी वर्तमान चुनौतियों का एक रास्ता दिखाते नजर आते हैं। गांधी की प्रस्तुतता क्या है आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की समस्या के संदर्भ में अगर हम जाने तो महात्मा गांधी को भगवद गीता के 13 अध्याय मुँह पे थे और उन्होंने दुनिया के हर मज़हब को समझा, हर मज़हब के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसको बहुत ही सूक्ष्मता से उन्होंने जाना, परखा और समझा। और गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि अगर पहले अपने धर्म को जानोगे, अपने धर्म ग्रंथ को जानोगे, तो आपको जो मिथ्स चलते हैं उसका पता चलेगा। उसके बाद उनको ख्याल आया कि दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है वो मानव धर्म है, मानव मात्र का कल्याण, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत का धरोहर है, यही भारत का वारसा है। और उसके बाद उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो जो कार्य किए, मैं अभी बात करता था 1915 की बात, जब 1915 में दीपावली आई, नव वर्ष आया, तो जॉन रस्किन की पुस्तक जो थी अनटू दिस लास्ट, जिसका गांधी जी ने सर्वोदय के नाम से तर्जुमा किया था, सर्वनो उदय सर्वोदय, मगर उन्होंने नव वर्ष का सेलिब्रेशन कैसे किया था, उन्होंने गरीब मिल मजदूरों के बच्चे अनटू दिस लास्ट यानी छेक छेवाड़ा ना मारवी ने बोलावी ने एमनी साथे उजवनी करी थी, यानी उन बच्चों को बुलाया अपने सत्याग्रह के आश्रम में, सत्य के आश्रम में बुला के उन्होंने किया। इसी वजह से उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक दिया सत्यना प्रयोगो। तो हमको चाहिए कि हम गांधी जी की बात करते हैं, आज विश्व शांति की अगर हम बात करते हैं तो आज दुनिया को भी पता चलता है कि विश्व शांति के लिए सिर्फ और सिर्फ वो गांधी विचार ही प्रस्तुत है। गांधी विचार की प्रस्तुतता के अंदर ही आपको विश्व शांति का रास्ता मिलेगा। अभी अमेरिका के अंदर 2 दिन पहले भी कहा गया कि स्पिरिचुअल लीडर अगर दुनिया के कोई हैं तो वो महात्मा गांधी है। मगर वो महात्मा क्या थे, कैसे महात्मा बने, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर, वो बैरिस्टर ने कैसे लोगों को भी अपने अंतेवासी बनाया था, वो जानने समझने के लिए एक बार आपको महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ना होगा। पढ़ना होगा सिर्फ नहीं, ध्यान से पढ़ना होगा, सूक्ष्मता से पढ़ना होगा। या नौजवान बच्चे हैं, मैं कम से कम 50 बार पढ़ चुका हूँ, मगर मुझे हर बार एक एक नई चीज़ मिलती है। जैसे हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने तेलुगु भाषा में भी देखा, बचपन में उनके ऊपर उस नाटक का इम्पैक्ट हुआ तो कैसा हुआ, अपना अगर भूल है उसका स्वीकार करना, उसका प्रायश्चित करना, वही सबसे बड़ा गांधी जी का जीवन का संदेश है, यही आज की प्रस्तुतता है। आज हम आर्थिक विचार महात्मा गांधी के देखें कि उन्होंने सूत के धागे से देश को किस तरह से जोड़ा था। आप देखें कि इंग्लिश के अंदर ही सब लोग अपने बड़े बड़े भाषण देते थे, उसका समर्थन करते थे, उसके विरोध में बोलते थे, उसकी जगह उन्होंने मातृभाषा को स्थान दिया। आज अंग्रेज चले गए मगर उनकी अंग्रेजियत हमारे बीच में रह गई है, वही चीज़ की ओर हम चलते हैं। तो गांधी ने किस तरह से मातृभाषा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ा, ये जोड़ने की आज ज़रूरत है। आज सामाजिक समस्याएँ हमारी सामने हैं, मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे ने विश्व शांति के लिए गांधी विचार की प्रस्तुतता पे गुजरात यूनिवर्सिटी से जब PhD किया तब मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। गांधी नो राम, महात्मा का कैसा राम था, महात्मा गांधी के जीवन की जो परिकल्पना थी, रंभाबाई ने उनको जो मंत्र दिया, तो जो बचपन से उनके अंदर राम नाम का तत्व आया वो नौजवानी में भी रहा और आखिरी दम तक जब उन्होंने अंतिम श्वास लिए तभी उन्होंने राम को याद किया था, हे राम के साथ उन्होंने अपने
प्राण न्योछावर किए थे, तो आज न्योछावर करने की बात है। बिल्कुल, आज न्योछावर करने की बात है। और जिस बात का जिक्र कादी साहब ने किया कि एक गंगा जमनी तहजीब को कैसे जीकर दिखाया जा सकता है, क्योंकि हम जिस आश्रम में मौजूद हैं यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना भी हुआ करती थी बापू के समय में, और एक तरीके से एक परंपरा की शुरुआत की, तो ये बताता है कि आपको सबका सम्मान करना आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ में एक युवा अभिषेक देसाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आज के समय में युवाओं को बापू के साथ जोड़ा जा सकता है। आप खुद एक युवा हैं, खुद को बापू से कनेक्ट करने के लिए आपको लगता है कि किन प्रकार की चीज़ों की या प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि आज के युवा को टेक सेवी के तौर पे देखा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ में बापू के एक संगम को क्या नए तरीके से प्रस्तुत करने की आज के युवा पीढ़ी के सामने जरूरत है। तो गांधी जी ने ये कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, ये जो सत्य और अहिंसा की बात है वो तो जितने पुराने हमारे पहाड़ और दुनिया है उतनी पुरानी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी के रेलेवेंस को लेकर हमें बात करनी भी चाहिए, क्योंकि गांधी ने कुछ नया नहीं कहा था, वही चीज़ें जो हर टाइम पे लागू हो रही थी वो आज भी लागू होती है। आपने बात कही टेक्नोलॉजी की ना, टेक्नोलॉजी इज़ अ मीडियम, वो एक माध्यम है, उससे कुछ और बदल नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ आज जो देखने को मिलती है खास करके हमारे बीच, वो है इनटॉलरेंस या असहिष्णुता, मतलब हम एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि लोग गांधी जी के बारे में समझना नहीं चाहते, लेकिन पहले से उनके दिमाग में ऐसी कुछ मान्यताएं बिठाई जाती है कि गांधी जी ने ये किया था, गांधी जी ने वो किया था, तो जो गलत धारणाएं हैं वो टूटती नहीं है। इस वजह से सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अहिंसा का एक बहुत ही मामूली मतलब गांधी जी ने बताया था कि जब तक हम सामने वाले की बात समझने के लिए उत्सुक ना हो, तैयार ना हो, तब तक हम अहिंसा की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज ये जो इनटॉलरेंस की बात चल रही है, आज जो एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे, हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू अग्री टू डिसअग्री, हम असहमत होने के लिए सहमत नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि आप जो सोच रहे हो और मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपकी बात को भी मान दूँ और आप भी मेरी बात को मान दें। तो ये जो रिस्पेक्ट की बात है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच नहीं आ रही है, और क्योंकि हमारी ऐसी जनरेशन है जिन्होंने गांधी जी के विचारों को इतने करीब से नहीं देखा। जैसे सर और मैडम तो उस ज़माने में जिए हैं, उस ज़माने में पढ़े हैं जहाँ पे ये विचार जिए जाते थे। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारी जनरेशन में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम गांधी जी से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, हमें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमें इन तरह के सोर्सेज से, चाहे वो किताबें हो या गांधी जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, अगर आप यूट्यूब पर जाओगे वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स गांधी जी के खुद के शब्दों में वो भी है, तो इन सब चीज़ों से हम इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। गांधी जी की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि उन्होंने कोई नया प्रिंसिपल दिया था, नहीं, उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था। एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य ना प्रयोग हो, सत्य के साथ उन्होंने प्रयोग किया था। उन्हें अपने जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हर स्तर पे गांधी जी को लागू किया जा सकता है, उनकी सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। तो उसमें सिर्फ एक बात से मैं अंत करना चाहूँगा कि शिक्षण का बहुत बड़ा रोल है उसमें। हमें गांधी जी के बारे में तथ्य पढ़ाए जाते हैं गांधी जी के जीवन को लेके, कि अच्छा उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, वो यहाँ गए थे, यहाँ पढ़े थे, वो ज़रूरी है जानना, उनके जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन जीवन से ज़्यादा उनके मूल्यों के बारे में जानना ज़रूरी है। गांधी जी जब असहयोग की बात करते थे वो क्या था, गांधी जी जब रचनात्मक कार्यक्रम की बात करते थे वो क्या था। तो अगर वो चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमारा काम शायद आसान बन सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि महत्व गांधी जी को, बापू को, उनके जीवन के तथ्यों से समझने की जरूरत नहीं, वो भी जरूरी है, बल्कि उनके मूल्यों को समझने की, आत्मसात करने की जरूरत है, तब शायद हम समझ पाएंगे सच्चे अर्थों में कि आखिर महात्मा गांधी कहना क्या चाहते थे, आपको समझाना क्या चाहते थे। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और महात्मा के मंत्र इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो तमाम ऑडियंस मौजूद है उनके हम सवाल और सुझाव लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय की जो चुनौतियां हैं उसमें महात्मा गांधी का दिखाया रास्ता कैसे एक प्रकाश पुंज की तरह हमारे लिए आज भी विद्वान है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल है तो कल है, स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल,
हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा, पानी बचाना, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम महात्मा के मंत्र में। हम इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। ये वो जगह है जो महात्मा की कर्म भूमि के तौर पर जानी जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा ने अपने जीवन को जीकर दिखाया और एक संदेश देने की कोशिश की कि आखिर अगर उनका अनुसरण किया जाए तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन उस वक्त की चुनौतियों से बदले हुए परिदृश्य में आज जो स्थितियाँ बदल गई हैं, कैसे उनके विचार आज भी हमारे लिए रेलेवेंस हैं और कैसे किस तरह से अपने आप की एक प्रासंगिकता रखते हैं, इस विषय पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने जाना ब्रेक से पहले कैसे मेहमानों ने खास तौर से हमको बताया कि आखिर क्यों आज के समय में बापू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारे साथ तमाम जो ऑडियंस मौजूद है उनसे हम सवाल और सुझाव लेने की कोशिश करेंगे। जी कौन सवाल पूछेगा? पूछिए आप अपनी जगह बैठ के। जी माइक। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य मिश्रा है। हम जब भी बापू के जीवनचर्या की बात करते हैं या उनका दर्शन करते हैं जीवनचर्या का, तो हम जानते हैं कि वो कितने संवेदनशील थे अपने आसपास के लोगों, समाज, पर्यावरण के कितने संवेदनशील थे, और उस वक्त का समाज भी काफ़ी संवेदनशील था। तो ये संवेदनशीलता कहाँ कम होती चली गई कि आज हम इतने संवेदनशील क्यों कम हो गया ये समाज हमारा? जी मेरा नाम रवि मकवाणा है। मेरा सीधा सवाल अभिषेक जी से है कि हम गांधी जी के मूल्यों को एक सीमित धोरण, यानी कि उनको उनके मूल्य को पढ़ाया जाता है 9 या 10 धोरण तक, तो क्या उनके मूल्यों को, उनके विचारों को कॉलेज तक पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाए तो कितना युवा के जीवन में परिवर्तन आएगा? ठीक है अभिषेक, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। अच्छा। तो इसमें दो बातें हैं। पहला तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई सीमा होती है कि हम गांधी जी को कब तक पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे साथ इतने विद्वान लोग हैं, ये भी शायद गांधी जी को भी पढ़ रहे, कोई भी गांधी जी को पूरी तरह से समझ पाया है या पूरी तरह से अध्ययन कर लिया, ऐसी तो बात है नहीं। तो इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि गांधी विचार को अलग से पढ़ाना चाहिए। जी गांधी जी के तथ्यों को तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन जैसे आप मान लो कोई विषय पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो या हिंदी पढ़ा रहे हो, सब इसके अंदर अगर आप अहिंसा का कोई पाठ डाल दे, इसके अंदर आप जैसे आपने कहा कि सहिष्णुता का पाठ डाल दे, तो एक तरह से गांधी जी के विचार ही है। हमें गांधी जी का नाम लेके उनके विचारों के बारे में बात करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जीवन पर्यंत उनको पढ़ा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण चीज़। कुछ और सवाल लेते हैं। जी पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार कर है। मैं गांधी विचार के विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा एक पूरे मन से ही सवाल है कि आज की युवाओं की बात हम करते हैं, मैं करीबन 2.25 लाख युवाओं से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक है कि उनकी कार्य के हिसाब से, उनके विचार के हिसाब से 5 ऐसे एरिया हैं जिसमें आज की युवा जुड़ रहा है और जुड़ना भी चाहिए, जैसे स्वच्छता, समूह जीवन, राष्ट्रीय संहति या राष्ट्रीय एकता, ग्राम विकास और श्रमदान, जो कि गांधी जी के जितने भी कार्य उन्होंने किया हुआ है उससे लगभग बाकी सारे के साथ साथ ये जो 5 ऐसे बिंदु हैं, 5 ऐसे एरिया हैं जिसमें युवा इसमें जुड़ रहे हैं, और जो राष्ट्र के विकास की बात अगर हम करेंगे, सबके साथ सबके विकास एक साथ हो, कि जैसे बात कहा कि गांव में बसता है गांधी जी के भारत जी, तो ये युवा उसके साथ जाके गांव में जाएं और ये 5 बिंदुओं में काम करें, तो आज की जो परिप्रेक्ष्य है, आज की जो समाज की स्थिति है, जो आर्थनैतिक स्थिति है या राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये जो गांधी जी के विचार है, उनके ध्येय है, उसको हम कैसे युवाओं के साथ सीधा जोड़ सकते हैं, इसमें आपके विचार ग्रहणीय हो। ठीक है, मैं सवाल लूंगा जवाब उसके, कुछ और सवाल लेते हैं। जी किधर माइक है? हाँ, आपके बगल में माइक दीजिए, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, पर गांधी जी को हम मेन मानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, ज़्यादा किया है हमारे देश के लिए। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे भारतीय स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया होता, या अगर वो नहीं होते, तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम किस तरह का रहता? ठीक है, किस तरह होता गांधी के बिना? कुछ और सवाल। जी हाँ, माइक पास कीजिए आपके पीछे।
जी मेरा सवाल रिजवान सर से है कि पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ने में आया कि जिसमें एनालिशन ऑफ कास्ट का कुछ रेफरेंस दिया गया था, जिसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे आज आपसे जाननी है बेहतर तरीके से, कि उसमें कहा था कि गांधी जी ने कास्ट का समर्थन किया एंड फर्दर उन्होंने कहा कि ही स्पिरिचुअलाइज्ड द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स कॉमर्शलाइज्ड हिम। ऐसी कुछ चीज़ें हमारी पीढ़ी के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमने गांधी जी को एक अहिंसा के मसीहा और एक सफल कम्युनिकेटर और जो समाज के हर तबके को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति के रूप में देखा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं एनालिशन ऑफ कास्ट में, उसमें किस हद तक सच्चाई है और आप उसे किस रूप में देखते हो? और उस समय जब ये बात हुई थी तो उस समय के नेताओं ने उसको किस रूप में देखा था और क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? ठीक है, कोई और सवाल? हाँ, खड़े होकर सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जो आज का युवा और सभ्य समाज है वो दिन प्रतिदिन हिंसक बनता जा रहा है, तो इसको हम गांधी जी के विचार के साथ कैसे मोड़ सकते हैं, मतलब कि कैसे मोड़ा जा सकता है? मैं कुछ और सवाल लूँगा, कुछ जवाब देता हूँ। भद्रा बहन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एक चिंता है जिसका मूल सार ये है कि आज के समय में जो एक सामाजिक विभेद कहीं देखने को मिलता है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, या ऐसे हिंसक प्रसंगों का जिक्र हमको तमाम किताबों में, ग्रंथों में, जैसे महाभारत का जिक्र किया, क्या अहिंसा के माध्यम से हम उस प्रकार के हल को हासिल कर सकते थे? आज के समय का जो एक हिंसक प्रवृत्ति है उसमें बापू हमको कैसे रास्ता दिखाते हैं? बहुत बड़ी बात है। इन सारे मुद्दों के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमें ही खोजना पड़ेगा जो गांधी जी ने एकादश व्रत के बारे में कहा है। ये व्रत के बारे में सोचेंगे तो हमें कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। हमें आत्मखोज करनी है कि हमें क्या करना है। देखिए, जैसे हिंसा के बारे में कहते हैं तो सामने वाला, वो भाई ने भी बताया कि सामने वाला क्या कह रहा है उसमें से सत्यांश हम ढूंढे, उसको भी हम कहें कि नहीं, ये बात तुम्हारी सच है। जैसे गांधी की जो जीवनी है उसमें जनरल स्मट्स की बात भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वो, उन्होंने जेल में डाला था गांधी जी को, फिर भी जेल में बैठ के भी उनके लिए उन्होंने जूते बनाए थे। तो जिसके साथ आप, आपके विचार मतभेद है, उसके लिए भी आपके मन में प्रेम रखो। आज आज बहुत सारे प्रश्न है और आपके मन में भी इनके लिए चिंता है, तो इसके लिए एक ही है कि हमें अपने को शुद्ध करना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हम सब जानते हैं कि गांधी के बारे में, ऐसा नहीं। हमें भी सोचना है कि एकादश व्रत है, जहाँ भी जाओ, भाई ने बताया गांव में जाए, सब कार्यक्रम करे, तो क्या करे? तो वो जो गांधी के वक्त क्या करते थे, वो गांव में जाने के लिए बताते थे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बबल भाई की डायरी है, तो वो एक छोटा सा गांव मासरा था, उसमें काम करते थे, तो जहां सफाई करे वहां पीछे से आके पूरे ढक डाल देते थे जी, कचरा डाल देते थे। तभी भी उनके मन में कोई ऐसा भाव, दुर्भाव नहीं आता था, वो साफ करते थे। मतलब मूल बात यह है कि उनका जो 11 मंत्र है, अगर आप उनको करीब से समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। महत्वपूर्ण चीज। कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं। सवाल कौन पूछेगा जी? कुछ और सवाल? अभी तो काफी लोग अभी हाथ उठा रहे थे जी। पूछिए, माइक दीजिए, आप खड़ी हो जाइए अपनी जगह पे। हाँ, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि पहले की लाइफ जो थी वो बहुत सिंपल थी और अभी की हमारी लाइफ जो है वो बहुत हाईटेक है, तो हम बापू के मूल्यों को और उनके विचारों को हमारी इस जनरेशन की लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ थोड़ी बहुत सिंपल भी हो जाए? कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है, कादरी साहब, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि तमाम जो सवाल या चिंताएं निकल के आ रही हैं, इसके अलावा एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। बापू ने आह्वान करके लोगों को बुलाया और लोग एक साथ खड़े हो गए और जन आंदोलन के तौर पे हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे। अभी मौजूदा दौर में भी हम देख रहे हैं कि जिस भी कार्यक्रम के साथ में लोगों का उठना आना है, जैसे स्वच्छता का एक कार्यक्रम है जिसमें हम देख सकते हैं जन आंदोलन बनता नजर आ रहा है। क्या एक मूल भावना कि लोगों को समाज की चिंताओं के साथ जोड़ना आज के दौर में कह सकते हैं हम? 1915 में जब गांधी जी हिंदुस्तान आए तब उन्होंने डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई को कहा, अपने क्लिनिक के बाहर मेरा बोर्ड लगा दो, बैरिस्टर M.K. गांधी बार एट लो, जिससे मेरा नाम
अहमदाबाद के जो वकीलों का एसोसिएशन था उसमें एंटर हो जाए और मैं म्यूनिसिपालिटी का अपने आप ही वोटर हो जाऊं। तो उन्होंने पूछा आप क्या करना चाहते हो म्यूनिसिपालिटी के वोटर के नाते, तो क्या मैं म्यूनिसिपालिटी में प्रवेश करके सफाई अभियान चलाता, मुझे सफाई अभियान कैसे चलाना है, सिर्फ बाह्य सफाई नहीं मैं आंतरिक सफाई भी करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ कूड़ा करकट दूर करने की बात नहीं की थी, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में से, धार्मिक जीवन में से, हमारे दैनिक जीवन में से सभी चीज़ों की साफ सफाई का जो अभियान चलाया। आप देखिए कि 1915 में उन्होंने जो झाड़ू पकड़ा था वो 1948 में अंतिम श्वास तक उन्होंने वो झाड़ू चलाया, हर क्षेत्र में झाड़ू चलाया, सार्वजनिक जीवन में, यानी देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा उन्होंने झाड़ू चलाया कि पूरी राजनीति का मोड़ उन्होंने चेंज कर दिया। भाई ने क्वेश्चन किया कास्टिज्म के बारे में, वो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि गांधी जी का साहित्य हम तोड़ मरोड़ के किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में वो प्रश्न किया गया था, उसका किस परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया था। आज के देवेंद्र भाई हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, वो भी किसी उत्तर देने के लिए उनको भी विचार करना पड़ता है। गांधी जी को किसी ने पत्र लिखा, जैसे मगन भाई देसाई ने लिखा कि आपके सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है, और बहुत सारा लिखा, किसी ने कहा आप धोती क्यों पहनते हो, पूरे वस्त्र क्यों नहीं पहनते हो, तो एज इट इज़ नवजीवन के तंत्री होने के नाते उसका पत्र प्रसिद्ध करते थे और उसके नीचे अपने विचार वो प्रदर्शित करते थे। उसी तरह गांधी जी का जो साहित्य है वो किस संदर्भ में लिखा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, आगे पीछे के संदर्भ को तोड़ मरोड़ के अपनी बात को सही ठहराने के लिए जो रखा जाता है वो बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से गांधी विचार कई बार अपनों को लगते हैं कि इररेलेवेंट होंगे, मगर वो हर वक्त में रेलेवेंट है। हाँ, ज़रूर है कुछ चीज़ों की उनकी मिस्टेक्स थी, उनके विचारों में कई लोग उनसे असहमत थे, जैसे अर्थक्वेक के बारे में गांधी जी ने कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनके मत से अपनी असहमति प्रकट की थी। सरदार पटेल जैसे, सरदार पटेल 1924 में अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने 222 दिन साफ सफाई अभियान चलाया था, पूरा शहर का उन्होंने साफ सफाई की थी, तब गांधी जी ने कहा था मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ जुड़ूं, पर जहाँ वल्लभ भाई जेवा कचरा पट्टी ना सरदार हो। देखिए उनके दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग था, कचरा पट्टी यानी कूड़े करकट के सरदार हों तो वहाँ मुझे कुछ करना नहीं है। तो आंतरिक साफ सफाई यानी पहले हम हमारा मन साफ करेंगे, तन तो साफ करते ही हैं, रोजाना हम नहाते हैं, मगर हमारे मन के अंदर जो मलिनता पड़ी हुई है वो मलिनता अगर हम दूर करेंगे तो हम टॉलरेंट हो जाएंगे, हमारे में टॉलरेंस आएगी, और यही काम आज की नौजवान पीढ़ी को करना है। बिल्कुल, और उसी नौजवान के ऊपर ही वो है, क्योंकि गाँव में जैसे उन्होंने अंत्योदय की बात की थी, तो सत्याग्रह आश्रम में वो उन्होंने कस्तूरबा को भी कहा था कि आपको रहना है तो रहो, नहीं ये दूधाबाई और उनकी वाइफ यहाँ रहेंगे। तो गांधीज 9/11 आपको समझना होगा, और वो आज के संदर्भ में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं मानता हूँ राष्ट्र की बहुत समस्या। एक तरीके से पूर्णता में बापू को देखने की जरूरत है, अगर आप बिट्स एंड पीसेस में समझने की कोशिश करेंगे तो शायद जो बात उन्होंने कही कि शायद आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। देवेंद्र पटेल जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चीज़ इस बात को ले आना चाहता हूँ, खादी की बात, खादी को गांधी से जोड़ते हैं, आज के समय में खादी एक ब्रांड के तौर पर है, लेकिन ब्रांड से हटके वो विचार क्या है, जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि खादी हमको खुद बनाना चाहिए अपने लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे लिए ज़रूर, क्योंकि आज हम बात करते हैं कि एक देश के तौर पे हमको अगर आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर बनना, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस समय की दूरदृष्टि के साथ में बापू ने क्या इस बात को सोच पाया था कि अगर आप खुद की ज़रूरतें खुद पूरी करेंगे, एक गाँव को यूनिट के तरीके से देखेंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से आप समाज को, देश को आगे ले जा पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब मैं दूंगा कि गांधी जी को जो खादी का कद्दर का जो ख्याल आया, मतलब वो तो पहले से बनती थी। इसमें दो बात थी, एक तो हमारे यहाँ पर हमारे जो कारीगर थे और हमारे कारीगर जो खादी बनाते थे उनसे उनका घर चलता था, वो एक हमारी एक आर्ट थी, और ढाका में तो मलमल बनती थी जो एक छोटी सी रिंग में से आप पसार कर सकते हो पूरी सारी। तो हमारे पास जो कला कौशल्य था वो अंग्रेजों के उन लोगों के आने के बाद जो भी उन लोगों जो लैंकेशायर से और मैनचेस्टर से जितनी भी मशीनरी आई टेक्सटाइल मिल्स की, तो हमारा जो उद्योग था वो ख़त्म होने लगा,
हमारा जो हमारा अपना गांव का मतलब कि गृह उद्योग था वो खत्म होने लगा। गांधी जी को लगा कि ये दो बात है कि एक तो मुझे अंग्रेजों से दी हुई हुई टेक्नोलॉजी और आने के कपड़े का मुझे सिंबॉलिक विरोध इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे पर शासन कर रहे हैं। दूसरा खद्दर का प्रयोग करने का उन्होंने इसलिए कहा कि ये करने से एक तो लोगों में सादगी आएगी, नंबर टू हमारे कारीगर है, हमारे जो कौशल्य वाले लोग हैं उनका घर चलने के लिए हमें हमको रखना जरूरी है। वो रेलेवेंस वो हमेशा इसलिए रहे। और आप ये भी सोचिए कि उनकी सादगी किस प्रकार की थी। फिफ्थ जॉर्ज ने जब गांधी जी को लंदन बुलाया कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो राजा को मिलने के लिए तो एक प्रोटोकॉल था कि आपको इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, आपको टाई पहनने पड़ेगी, आपको सूट पहनना पड़ेगा, आपको शूज़ पहनने पड़ेगा, आपको मोजे पहनने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, और एक वो नेक टाई भी पहननी पड़ेगी। तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में वो राजा के लोगों को कह दिया कि मैं जिस देश से आता हूँ अगर इस देश के लोग अगर आधे नंगे हैं तो मैं राजा को पसंद वाले कपड़े पहन के नहीं आऊँगा, मैं तो वही कपड़े में आऊँगा जो मैं पहनता हूँ, मेरा देश पहनता है, और सिर्फ दो ही वस्त्रों में। इतनी का मतलब कि ज़्यादा ठंडी होने के बजाय आपके राजा को मुझे अपॉइंटमेंट दे ली है तो दे, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। और प्रोटोकॉल तोड़ के राजा के लोगों ने फिफ्थ राज चौथ ने उन्होंने बताया कि गांधी जी को जिस वस्त्र में आना है वो आए, और उसी वस्त्रों में वो गए, और वस्त्रों में जाके अपने वही खद्दर वाली वही सिंपल में गए। और जब बाहर निकले तो वो यूके के पत्रकारों ने पूछा कि आप इतने बड़े हमारे किंग को मिलने गए और आपने इतने कम कपड़े क्यों पहने, तो गांधी जी ने तो बताया कि आपके राजा ने हम दोनों को हो सके उतने कपड़े पहने हुए थे इसलिए मैं इतने कम कपड़े पहन गया। मतलब ये गांधी जी की सिंपलिसिटी और उनकी एक रमूज एक हास्यवृत्ति भी थी। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कहते हैं कि गांधी का जो जीवन है वही एक संदेश है, क्योंकि उन्होंने जो जीकर दिखाया है अगर उसको आत्मसात करने की कोशिश की जाएगी तो अपने आप में हम सबको हमारे तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत शायद गांधी को और करीब से महसूस करने की। फिलहाल एक और छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे इस खास कार्यक्रम महात्मा के मंत्र को जिसको कि हम लेकर आ रहे हैं इस वक्त आपके लिए खास अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। जल है तो कल है, स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना, पानी बचाना, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ DD न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम महात्मा के मंत्र में। हम इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में बापू की कर्मभूमि, और हम कोशिश कर रहे हैं उस मंथन के माध्यम से आज के ज्वलंत सवालों का जवाब निकालने के लिए जो हमारे सामने आज एक चुनौती के रूप में मोबाइल सामने खड़े हुए हैं। हमने तमाम अपने खास मेहमानों से बात की, ऑडियंस के जो सवाल थे सुझाव थे उसको लिया, और फाइनल राउंड में हम समझने कोशिश करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता दिखाई कैसे पड़ता है। हमारे साथ में युवा गांधी विचारों को मानने और समझने वाले हमारे साथ में अभिषेक व्यास लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पे आपसे समझना चाहूँगा कि ठीक है आप गांधी से जुड़े हुए हैं, उनको आज आप समझने के और बहुत करीब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वर्ग युवा वर्ग खासतौर से जो अभी गांधी को बहुत करीब से जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्या कह के आप उनको प्रेरित करना चाहेंगे कि आखिर क्यों उनको गांधी से जुड़ना चाहिए, क्यों उनकी समस्याओं का हल, क्यों उनके अंदर के तमाम जो द्वंद्व हैं उसका हल गांधी के जीवन में या विचारों में देखने को मिलता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि क्योंकि लोगों के दिमाग में गांधी जी को लेके कई सारी गलत धारणाएं हैं, इसलिए वो गांधी जी के नाम से कभी कभी बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बोलोगे कि क्या आपको प्यार पसंद है, तो हाँ पसंद है। आपको अहिंसा पसंद है, हाँ पसंद है। आपके देश में अच्छा हो आपको पसंद है, आपका देश साफ रहे वो पसंद है आपको, तो वो बोलेंगे हाँ। तो इसमें चीज़ ये है कि भले हम गांधी जी का नाम ले या ना ले, लेकिन जो बातें हैं उन सब से तो हम अग्री करते हैं, ठीक है। तो अरुण भाई करके है, लोक भारती संस्था है भावनगर में, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी भी क्षेत्र का सत्य हो उसे आप गांधी जी के साथ जोड़ सकते हो।
अगर आप स्वच्छता पे कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो गांधी जी ने स्वच्छता के बारे में बोला होगा, और गांधी जी ने बोला ही होगा। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पे गांधी जी के अपने विचार नहीं थे। तो जहाँ पे सत्य है वहाँ पे गांधी है, तो ये बात तो नहीं है कि हमें गांधी जी को अलग से समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा फॉर्मल या थोड़े अच्छे समझना है तो जैसे भद्रा बहन ने कहा, एकादश व्रत, यहाँ पे हृदय कुंज में आप देखोगे अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड पे एकादश व्रत, गांधी जी ने 11 व्रत दिए थे जिससे ये आश्रम चलाना था और आश्रम के लोगों को अपना जीवन जीना था। उसमें सत्य की बात है, अहिंसा की बात है, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्वाद, अपरिग्रह। तो अगर हम इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ेंगे हमारे फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी। और एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने सवाल उठाया था सिंप्लिसिटी का आपने, तो इसमें भी एक व्रत है गांधी जी का, अपरिग्रह, माने अंग्रेजी में जिसे कहते हैं नॉन पजेशन, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी। अगर मैं एक कुर्सी से काम चला सकता हूँ तो मुझे दो कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। अब इसको आप ले लीजिए, अभी जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उसके साथ हम बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपरिग्रह का ही नियम है कि हमें जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम ना लें, वरना वो एक किस्म की चोरी है, हम किसी और से वो छीन रहे हैं। हम ज़्यादा जब इकट्ठा करते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो हम लोगों से छीन रहे हैं। और गांधी जी का एक प्रिंसिपल था, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। ट्रस्टी क्या होता है, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ उसका ध्यान रखता है और बेनिफिशियरी के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करता है। तो गांधी जी ने कहा था हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें हमारे पास है हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसका ध्यान रखना है, लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये बातों को जब आप फॉर्मल एजुकेशन में लाओगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। और एक चीज़ तो है कि अहिंसा का नियम लोग गलत समझ रहे हैं कि अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना या गाली नहीं देना, उतना नहीं होता। हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में भी कई तरह की हिंसा होती है। हम गुस्सा करते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा होती है। मन में भले गुस्सा करते हैं, ट्रैफिक में हम गुस्सा करते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा होती है। तो इन छोटी छोटी जगहों पर हम गांधी जी को और गांधी जी की बातों को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, और शाब्दिक हिंसा भी हमको नहीं करनी चाहिए और मानसिक तौर पे भी उस हिंसा का ख्याल हमको एक तरीके से नहीं आना चाहिए। हमारे साथ में रिजवान कादरी जी मौजूद हैं। रिजवान जी, एक सच्चाई है कि जब तक हम अपनी समस्याओं को स्वीकारेंगे नहीं, समाधान की ओर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज की मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो वो चकाचौंध की ओर भागती हुई एक पीढ़ी दिखाई पड़ती है, और ऐसे में हमको दिखता है कि गांधी एक बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में एक आदर्श के तौर पर मौजूद है। दोनों अपने आप में दो धुरी नज़र आते हैं। कैसे इन दो धुरी के बीच में आज का एक सामंजस्य बना के आगे बढ़ा जा सकता है, वो रास्ता कैसे निकलता नज़र आता है आप तब जब गांधी को पढ़ते हैं और आज की समस्याओं को देखते हैं? पहले गांधी का जो ज़माना था वो ज़माने को जानना समझना पड़ेगा। आज के ज़माने के साथ उसका हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, तो वो जानने समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। और किस परिप्रेक्ष्य में, जैसे गांधी जी के 11 व्रत हैं, मगर हम तय करें कि हम हर महीने एक एक व्रत का पालन करेंगे, ये पूरा महीना मैं सत्य ही बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा असत्य न बोलूँ, या मेरे से अभय, किस चीज़ का भय है हमें? भय तो सिर्फ मौत का होता है। गांधी ने तो अपने सर पे कफन बांध के निकल पड़े थे। उनको अगर ट्रेन में से अगर धक्का नहीं लगा होता तो वो इतना बड़ा जगत का इतिहास बदलते नहीं। उन्होंने भय का त्याग कर दिया और निर्भय होके निकले। तो हम भी, हमारी बात जो भी है वो नम्रता से, विनम्रता से, निर्भय होके कहें कि नहीं ये गलत हैगा, मगर हम खामोश रहते हैं, वो खामोशी भी हमारी उसके अंदर हमारे को सम्मिलित करती है। तो गांधी जी ने क्या कहा, सर्वधर्म सरखा गणवा, जैसे व्यापक धर्म भावना गांधी जी का ग्रंथ है। अगर एक बार हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के जिंदगी के अंदर किस किस धर्मों का असर था, किस किस प्रसंगों का, कैसे उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया, मगर वो कब पता चलेगा, जब व्यापक धर्म भावना पढ़ी जाएगी। जब गांधी किस तरह से जानते थे, समझते थे, मैं हमारे कॉलेज के छात्र को प्रतिवर्ष जी सत्याग्रह आश्रम कोचरब ले जाता हूँ और इसी हरिजन आश्रम में भी लेके आता हूँगा। गांधी जी के जैसे गुजरात विद्यापीठ, जहाँ पर गुजरात विद्यापीठ का प्रारंभ हुआ था, उसी मकान में ले जाके उनको सा विद्या या विमुक्त क्या है,
विद्या से मुक्ति मिले, मगर वो मुक्ति कैसे हमको मिल सकती है? अज्ञानता से मुक्ति, वही हमको सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है हमारी अज्ञानता। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है भद्राबेन सवाई जी। आज के समय की चुनौती की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, महिलाओं के समान अधिकार को लेकर लगातार एक समाज में एक मुहिम से चल रही है, लेकिन क्या हम बापू को आज कैसे ध्यान कर सकते हैं? खासतौर से मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ, आप एक महिला हैं और कस्तूरबा गांधी से किस तरीके से बापू ने तमाम बातें सीखी हैं, इसका भी जिक्र तमाम तरीके से मिलता है, उन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम आज कैसे महिला सम्मान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं वही सोचती थी कि महिलाओं के बारे में कुछ आया नहीं। मैंने एक पुस्तक लिखा है, उसका टाइटल है गांधी ने वीर पसली। गांधी ने जो बहनों को भेंट दी है, वो 550 पत्र जो बहनों ने गांधी को लिखे थे, बहुत सारे लिखे, लेकिन उसमें से मैंने चुन के एक पुस्तक बनाई है। तो उसमें बहनों ने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, ईश्वर के बारे में, मौन के बारे में, सेवा के बारे में। तो गांधी ने जो लिखा है उस पर से मैं कह सकती हूँ कि जैसे पहले मैंने बताया कि सबका विकास क्यों नहीं हो, सब ऊपर क्यों नहीं उठे, तो गांधी अपने के लिए तो प्रयत्न करते थे, लेकिन वो ज़माने में जो बहनें, कई विधवा बहनें भी इस आश्रम में उनके साथ रहती थी, वो सब बहनों को ऊपर उठाने, शरीर से ऊपर उठाने के लिए, वो भाई ने बताया कि अभय मंत्र जो गांधी ने दिया कि किसी से डरना नहीं और किसी को डराना नहीं, ये अभय मंत्र है। तो बहनों में ये चीज़ वो गांधी ने डाली कि आप एक सिपाही अपनी लकड़ी लेके आता है, उससे डरो मत। तो वो इतना बड़ा काम किया वो अभय मंत्र ने कि करवे का नाम आपने सुना होगा, वो करवे ने बहनों के लिए बहुत स्कूल कॉलेजें खोली, शिक्षण का काम किया। तो जब बॉम्बे में बहनों का बहुत बड़ा सर्गस निकला, तब करवे ने कहा कि ये काम तो मैं इतने सालों का शिक्षण का काम करता हूँ तब भी नहीं हुआ, और ये गांधी ने ये करके दिखाया, इतनी बहनों को बाहर निकाला। तो गांधी जी ने हर एक बहन को अपने साथ लेके अपना विकास खुद करो, जो आज सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो बात कई बहनें ऐसे सोचती थी कि हम गांधी के साथ रहे, बापू की सेवा करें, उनके साथ जाए, तो उनको खत लिखते कहते थे कि अपना विकास करो, अपने में जो बात आती है वो लेके काम करो। कई बहनें थी, मीराबेन जैसी आई थी, वो भी साथ में रहने का सोचती थी, तो कहते थे कि जो बात मेरे में है वो आपने पकड़ी है, उसको पकड़ के, मेरे जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसको पकड़ के आप खुद का विकास खुद करो और किसी से डरो मत। और उसके साथ साथ ये जो एकादश व्रत की बात कही, सादगी से रहो। कई लोग सोचते हैं कि गांधी ने ऐसा बहनों को भी कहा और साथ में सबको ऐसा कहा कि संयम से रहो, सादगी से रहो, तो ये सब क्यों कहा? क्योंकि अपना विकास करने के लिए। तो ये जो आज के जो सब प्रश्न है तो उसमें से उसका हल भी मिलेगा। जी बिल्कुल, एक हल भी मिलेगा। एक फाइनल कमेंट देवेंद्र पटेल जी आपसे, कि आप एक पत्रकार के तौर पे भी अपनी बात लिखते रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने गांधी जी को इतना समझा है, आज के दौर में अगर गांधी जी होते क्या लेख वो संपादकीय में आज लिखते आज के समाज की चिंताओं को लेकर, और अगर वो पत्र लिखते आज के युवाओं को तो वो क्या पत्र लिखते, क्या वो आह्वान करते, क्या वो अपील करते, क्योंकि वो एक भविष्य का रास्ता हमको दिखाते, वो आपकी समझ में आज क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा पत्रकारों के बारे में और मीडिया के बारे में, अगर आज गांधी जी होते तो क्या करते या क्या लिखते। देखो, मेरे ख्याल से गांधी जी स्वयं खुद एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको पत्रकारत्व क्या है और अखबार क्या है उसका एक्सपीरियंस उन्होंने अपने खुद ने, यंग इंडिया निकाला, फिर उसने नवजीवन एस्टेब्लिश किया, फिर उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला। वो समझते थे अगर ब्रिटिशरों से हमको लड़ना है तो हमें मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने का शुरुआत अफ्रीका से किया, वहीं से, और फिर यहाँ पर लिखते रहे। नवजीवन भी की स्थापना फिर बाद में की, लेकिन वो लिखते रहे। लेकिन उन्होंने एक बात भी बताई कि पत्रकारों को एक बात समझनी चाहिए कि निरंकुश
कलम का दोत बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी, बहुत बड़ी हुनारत भी ला सकती है। पत्रकारत्व दो धारी तलवार है, वो आपको न्याय भी दिला सकती है और आपको हिंसा की ओर भी फेर सकती है। और दूसरा, ये बहुत कमनसीब की बात है कि गांधी जी ने जो लिखा वो उन्होंने सत्यनारायण प्रयोग करके अपनी एक किताब लिखी थी, अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ में उन्होंने जो लिखी वो गुजराती भाषा में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा हिंदी में बिकने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा अनुवादित हुई दुनिया भर की भाषा में बिकने वाली किताब है। लेकिन गुजरात के साहित्यकार अभी आज तक गांधी जी को साहित्यकार नहीं समझा, ये सबसे बड़ी वो है। मतलब कि वो पत्रकारत्व और साहित्य उनके जीवन का एक पार्ट था। अगर आज गांधी जी होते तो आज वो वही लिखते जो उस जमाने में लिखते थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, तो आज भी वही लिखते जिसको वो अन्याय होता था। और गांधी जी की एक सिंप्लिसिटी के, और गांधी जी के बारे में अगर उन्होंने जो अपने अपने लेख में लिखा कि एक बड़ी संवेदनशील बात है कि गांधी जी की हत्या हुई इसके थोड़े दिन पहले गांधी जी ने कहा था कि देखो मुझे मारने की कोशिश तो 7 से 8 बार हुई है, लेकिन अगर कोई आदमी मेरी हत्या कर दे तो ऐसा मानना कि उसने असली गांधी को नहीं मारा, मेरे अंदर रहेली बुराइयों को मारा है। ऐसी बात कौन लिख सकता है? कोई पत्रकार भी नहीं लिख सकता, कोई एडिटर भी नहीं लिख सकता। मेरे ख्याल से उनके लिए पत्रकारिता तो एक बहुत बड़ा एक साधन था जो अन्याय के सामने वो लड़ सकता। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां आप लोग सब लोग बजा दीजिए। और महत्वपूर्ण बात यही कि जब हम बापू की इस कर्म भूमि पर मौजूद हैं तो कहने सुनने समझने की बहुत ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बापू को हर कोई छोटे से लेकर बड़ा तक जानता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी इस बात की आज के दौर में है कि बापू को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाकर करीब से महसूस करने की ज़रूरत है, उनको आत्मसात करने की ज़रूरत है। तब शायद जब हम 150वीं जयंती वर्ष उनका मना रहे हैं तब उनको हम शायद सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, क्योंकि हमको समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां, हम उसका भी निर्वहन कर पाएंगे और हमारे अंदर जो चल रहा द्वंद्व है शायद हम बापू को जीकर उस द्वंद्व से भी निकल पाएंगे। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में जो कि हम अहमदाबाद के इस आश्रम से आपको लेकर आए थे, इसमें बस इतना ही। महात्मा के मंत्र में इस कार्यक्रम में इतना ही। हम शुक्रिया करेंगे तमाम लोगों का, आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।